स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम का एडमिट कार्ड आ चुका है, तो जिन्होंने इसे डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर ले। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज से हम डेली दो स्पीड टेस्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख पाए। और हाँ, हमारा जो स्टेनोग्राफर का पहला वीडियो है वो 6:30 बजे आएगा और जो दूसरा वीडियो है वो 6:45 पे आएगा, इसलिए इन दोनों वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का स्टेनोग्राफर का स्पीड टेस्ट फर्स्ट, और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नेक्स्ट ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नेक्स्ट ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? तो बिहार की। मिथिला पेंटिंग बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। किसने डीडी विज्ञान और भारत विज्ञान चैनलों को शुरू किया है? तो ये भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान ने। भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान ने डीडी विज्ञान और भारत विज्ञान चैनलों को शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो लियोनार्डो द विंसी की। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा लियोनार्डो द विंसी की प्रसिद्ध कृति है। किस राज्य के मल्टी लॉजिस्टिक पार्क राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ओडिशा के। ओडिशा राज्य के मल्टी लॉजिस्टिक पार्क राष्ट्र को समर्पित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो सीसा। सीसा सबसे कम सक्रिय तत्व है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। किस राज्य ने 50,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी योजना को शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने 50,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी योजना को शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है। बनीठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से। बनीठनी किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। किसे NHRC का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो जयदीप गोविंद को। जयदीप गोविंद को NHRC का महासचिव नियुक्त किया गया है। और NHRC की फुल फॉर्म होती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कम्युनिकेशन। नेशनल और NHRC की जो फुल फॉर्म होती है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की है? तो कोपरनिक्स ने। कोपरनिक्स ने सौर मंडल की खोज की है। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा है? तो SLV-3। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण SLV-3 है। वर्ष 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो योई सासाकावा को। योई सासाकावा को वर्ष 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनेतर मेला मुख्य रूप से किस राज्य में लगता है? तो गुजरात में। तरनेतर मेला मुख्य रूप से गुजरात राज्य में लगता है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सन 1875 में। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में की गई थी। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सीपी जोशी को। सीपी जोशी को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता वर्णित है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो अष्टप्रधान।
शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता है। महिला मुक्केबाजी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद अली कमर को। मोहम्मद अली कमर को महिला मुक्केबाजी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ है? तो हृदय का। विश्व में सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण संभव हुआ है। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण में सहायक होता है? तो पुरुष का। पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण में सहायक होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें वाइब्रेट वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें वाइब्रेट वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा और गंधक का मिश्रण क्या कहलाता है? तो असमांगी मिश्रण। लोहा और गंधक का मिश्रण असमांगी मिश्रण कहलाता है। यहूदी मेनुहिन कौन सा वाद्ययंत्र बजाते थे? तो वायलिन वाद्ययंत्र। यहूदी मेनुहिन वायलिन वाद्ययंत्र बजाते थे। किसने इंडिया रब्स एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो सुरेश प्रभु ने। सुरेश प्रभु ने इंडिया रब्स एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने ए रियासत नियुक्त किया था? तो मालिक याकूब को। मालिक याकूब को अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने ए रियासत नियुक्त किया था। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से जलाई जाती है? तो सूर्य की किरणों से। ओलंपिक मशाल सूर्य की किरणों से जलाई जाती है। जितेंद्र सिंह किस शहर में इसरो के उन्नति कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु में जितेंद्र सिंह ने इसरो के उन्नति कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो ये था हमारा आज का स्टेनोग्राफर का स्पीड टेस्ट फर्स्ट। इसी के साथ आज का वीडियो ये समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, जस्ट इसके 5 मिनट बाद हम फिर मिलते हैं हमारे अगले स्टेनोग्राफर के स्पीड टेस्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू।